तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, आज जो मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट है एनाबोन 666T Max, ठीक है। ऑटोमोटिव RTB सिलिकॉन गैस्टेक मेकर, ठीक है। ये जो पेस्ट है या फिर बोल सकते हैं इस क्रीम का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आप देख सकते हैं ना बोन 666T Max, ठीक है। ऑटोमोटिव RTV सिलिकॉन गैस्टेक मेकर। जो इस प्रोडक्ट को मैं पहले सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इसकी क्वांटिटी वगैरह क्या है। देख सकते हैं 100 ग्राम की है और जो इसका जो लाइफ बताया जा रहा है वो 15 मंथ का बताया हुआ जा रहा है, ठीक है। और जो एक क्रीम के बारे में पहले मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ कि क्रीम आपको किस टाइप से दिखाई देगी, ठीक है। आप देख सकते हैं क्रीम जो है, मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी काम का एक पेस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी पूरी प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं आप। और एक बार मैं इस क्रीम को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं क्रीम जो है आपको वाइट कलर की एक क्रीम मिलेगी, ठीक है। वाइट कलर की आपको क्रीम मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रीम आपको वाइट कलर की एक क्रीम मिलेगी। और जो इस प्रोडक्ट का जो बेसिक यूज़ है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट का यूज़ हम लोग यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक देख सकते हैं ये प्रोडक्ट। यदि आप किसी मैकेनिकल शॉप में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर गाड़ियों का रिपेयर होता है, ठीक है, गाड़ियों वगैरह का रिपेयर होता है, इंजन्स पार्ट्स ओपन खुलते वलते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्रीम जो है वो ये लोहा को भी आपको चिपकाने में काम आती है, ठीक है। जो इंजन वगैरह के जितने भी स्पेस होते हैं उनको ये फील करने के काम आती है या फिर उनके बीच में ये चिपकाने का भी काम आ जाती है। मतलब ये लोहे के साथ इसका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। इंजन वगैरह में आप इसको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यदि वहाँ पर कोई होल्स वगैरह हैं और प्रॉपर आप होल्स को आप फील करना चाहते हैं तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और भी इस क्रीम का बेसिक यूज़ बहुत सारा यूज़ है, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो यूज़ है वो और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं। और भी चीज़ें मैं बताऊँगा इसके साथ में ही, बहुत सारे चीज़ हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो यदि आप मैकेनिकल फील्ड से हैं तो आप इस प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ देखिए आपको एक कैप भी मिलेगा जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको खोल के, ठीक है। इसको खोल के आप यहाँ पर जनरली यूज़ कर सकते हैं क्रीम को, ठीक है। अब ये जो क्रीम है वाइट कलर की क्रीम होगी, ठीक है। और इसका यूज़ और भी बेसिक काम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसी क्रीम से देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक फिंगरप्रिंट्स बनाया है अपने CSC सेंटर के लिए, ठीक है। यदि आप एक CSC संचालक हैं और आप अपना फिंगरप्रिंट्स बनाना चाहते हैं अपने सेंटर के लिए, क्या होता है कि मैं अपने सेंटर से बाहर जाता हूँ तो क्या होता है मेरा सेंटर जो होता है कि ऑफ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो यदि आपके सेंटर में ऑपरेटर्स हैं तो आप उनको अपना फिंगरप्रिंट्स बना के दे दें, वो आपके सेंटर्स को प्रॉपर चलाते रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर आपका सेंटर जो है बंद नहीं होगा, आप किसी तरीके से चला सकते। तो इस तरीके से आप अपना फिंगरप्रिंट्स भी बना सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इससे बनाया हुआ है, तो आप इसका यूज़ बेसिक काम के लिए यूज़ करें, अपने के लिए यूज़ करें, इसका गलत काम कभी यूज़ ना करें, ठीक है। तो आप अपना इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए, ठीक है, अपना फिंगरप्रिंट्स आप बना सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं अपने CSC सेंटर में, ठीक है। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आया था तो मैंने इसका रिव्यू कर दिया आपको, मैंने बता दिया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इस फिंगरप्रिंट को मैं यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ होता है। और आप इसका जो यूज़ है वो अपना लीगल काम के लिए करें, अपने सेंटर के लिए काम करें, ठीक है। यदि आपके सेंटर में आप नहीं बैठते हैं तो आप अपने सेंटर में किसी ऑपरेटर को बैठा रहे हैं तो अपना आप फिंगरप्रिंट बना के उन्हें दे दें, ठीक है, ताकि वो अपना यूज़ करें और आपके सेंटर का भी जो सेंटर है वो प्रॉपर आपका चले और आप भी अपना कहीं बाहर पे भी कुछ और अदर वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको आपको चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको इस बेसिकली इस क्रीम के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्रीम किस लिए यूज़ होता है। यदि आप इंजन पार्ट्स वगैरह का काम कर रहे हैं तो भी ये क्रीम आपको काफ़ी किफ़ायती होगी, ठीक है। कोई चीज़ें रबड़ प्रोडक्ट में जैसे बनानी होगी, रबड़ प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें बनानी होगी तब भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए फिंगरप्रिंट्स बनाया है, अपने सेंटर के लिए मैंने अपना फिंगरप्रिंट्स बनाया हुआ है। तो देखिए इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है, मैं आपको यूज़ करके भी बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी वगैरह के बारे में हम तो जान लिए हैं, लेकिन इसकी जो प्राइस वगैरह है इसके बारे में जान लेते हैं।
कि एक्चुअल में ये प्राइस आपको कैसे और कहाँ मिलेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है मैंने 300 रुपये में बाई किया है फ्लिपकार्ट से। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों जगह अवेलेबल है, 300 रुपये में आपको मिल जाएंगे, और लोकल मार्केट से आप बाई करेंगे तो आपको 200 रुपये तक ये मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। यदि आप इंजन वगैरह का काम करना चाहते हैं, कुछ रबड़ में कुछ चीज़ें बनानी चाहते हैं, ठीक है, रबड़ बॉन्ड में कुछ बनानी चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर MRP आपको 200 रुपये दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इंटरनेट से ख़रीदने से आपको महंगा में मिल जाता है, मुझे 300 रुपये में मिला है, ठीक है। तो आपको ये लोकल मार्केट में प्रोडक्ट मिलता नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन में मिलेगा आपको, ठीक है। और आप रिपेयर शॉप वगैरह में आप इसे पा सकते हैं, इस क्रीम को मैंने ट्राई किया था लेकिन वो मुझे यहाँ भी नहीं मिला था, ठीक है। तो मैंने बाई किया था तो मुझे 300 रुपये में फ्लिपकार्ट से मिला हुआ था, 300 रुपये में मैंने बाई किया था। तो इससे आप रबर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, रबर प्रोडक्ट मैंने बताया अभी आपको कि रबर प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है, रबर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, और इंजन भी फील कर सकते हैं, इंजन वगैरह का जो भी लोहा वगैरह का काम है आप उन्हें यदि चिपकाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यूज़ आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं अपना डीजी पे यहाँ पास ओपन किया हुआ हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पास मैं अपना डीजी पे ओपन किया हुआ हूँ, तो आप पूरी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं यहाँ पास अपना डीजी पे ओपन कर चुका हूँ, ठीक है, और ये देखिए मेरे यहाँ पास फिंगरप्रिंट्स रखे हुए हैं, आप यहाँ पास देख सकते हैं मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, आप यहाँ पास देखें, ये देखें मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है। तो मैं अपने फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करूँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे फिंगरप्रिंट्स, दोनों मेरे फिंगरप्रिंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इन फिंगरप्रिंट्स को अपना यूज़ करके देखता हूँ, तो ये सब देख सकते हैं यहाँ पास मेरा जो डीजी पे है ओपन हो चुका है। मैं इसे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ऑथेंटिकेट करूँगा तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पास पूरी सेटअप मेरा देख सकते हैं, यहाँ पास मोर्फो पे लाइट आएगा, मंत्रा पे लाइट आएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं पर रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पास मैं रख लेता हूँ, और आप देख सकते हैं मैं माउस से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और उसके बाद देखिए यहाँ रेड लाइट आएगा, और मैं यहाँ पास देखिए रेड लाइट आ चुका है, और ये मेरा ऑथेंटिकेट फिंगरप्रिंट से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पास इसे क्लिक करके दबाऊंगा, आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास देख सकते हैं सक्सेसफुल कैप्चर हो चुका है, और ये देखिए ये देख लीजिए, ठीक है, अब ये देखिए मेरा जो फिंगरप्रिंट्स है यहाँ पास काम कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको मेरा जो डीजी पे है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल है कि मेरा ये चीज़ें काम कर रहा है इस तरीके से। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।